रिसेंटली हुए इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने आलिया की एक आदत के बारे में बताया है जिससे वो परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा, आलिया की स्लीपिंग पोजीशन अलग है जिसकी वजह से मुझे बेड में सोने के लिए सिर्फ एक कोना ही मिलता है। आलिया रात में सोते हुए पूरे बेड पर राउंड करती हैं। ऐसे में मैं कॉर्नर में पहुंच जाता हूं। आलिया की इस आदत की वजह से मुझे रोजाना स्ट्रगल करना पड़ता है। झलक दिखला जा के सेट पर नौरा फतेही स्पॉट हुई, जहां उन्होंने मराठी लुक कैरी किया था। एक्ट्रेस के अदाओं ने इंटरनेट का पारा ही गर्म कर दिया। ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो और सैफ एल्कोहल या सॉन्ग पर थिरकते नजर आ रहे हैं और बीच में ही स्टेप्स भूल जाते हैं और सैफ उनकी मदद कर रहे हैं। ऋतिक ने कैप्शन में लिखा, असली विक्रम वेदा ऐसा व्यवहार करता है, वेदा कदम भूल गया, विक्रम को सब गलत सिखा रहा है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और ऋतिक रोशन जल्द ही फिल्म विक्रम वेदा में नजर आने वाले हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही बॉयकॉट विक्रम वेदा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। वजह है सैफ और करीना का पुराना वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अपने बेटे का नाम अलेक्जेंडर नहीं रख सकते हैं और रियलिस्टिकली उसका नाम राम भी नहीं रख सकते, तो एक अच्छा मुस्लिम नाम क्यों नहीं। ब्रह्मास्त्र 2 में देव का रोल कौन प्ले करेगा, इस पर ऋतिक रोशन ने बात की है। रिसेंटली हुए इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टेडली ऋतिक रोशन ने कहा, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मेरी अगली फिल्म फाइटर है, इसके बाद दूसरों के बनने की संभावना है जिसके बारे में आपने बात की थी, फिंगर्स क्रॉस। शाहरुख खान की फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से एक शख्स की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे, जिसके चलते कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने स्थानीय कोर्ट में एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और अब एक्टर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर फोटो शेयर किया है जिसमें एक फोटो में वो अपनी बेटी के साथ दिख रही हैं, जबकि दूसरी फोटो में प्रियंका अपने पिता के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने प्यारा सा कैप्शन लिखा है, एक दिन की देरी से लेकिन मेरी किताब में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस होता है। फैंस को प्रियंका का ये फोटो खूब पसंद आ रहा है। ऋचा और अली फजल के रिसेप्शन में अली के हॉलीवुड के कई दोस्त भी शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विक्टोरिया एंड अब्दुल में अली की को-स्टार रही लेजेंडरी एक्ट्रेस जूडी डेंच और जेरार्ड बटलर को भी इनवाइट किया गया है। इसके अलावा अली ने अपनी अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म कंधार के को-स्टार को भी इनवाइट किया है। बताया जा रहा है कि जासूसी थ्रिलर तेहरान के कलाकार भी मेहमानों की लिस्ट में शामिल हैं। पति सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा पर करीना कपूर ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक नोट शेयर किया है, दीपिका पादुकोण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका को कल यानी 26 सितंबर की देर रात अस्पताल ले जाना पड़ा। रिपोर्टेडली दीपिका को अचानक घबराहट की शिकायत हुई जिसकी वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दीपिका ठीक है। लगभग 12 घंटे लगातार दीपिका ने अस्पताल में कई सारे टेस्ट करवाए। बता दें कि दीपिका पादुकोण की टीम की तरफ से फिलहाल इस बारे में ना ही कोई जानकारी आई है और ना ही इस बात को कंफर्म किया गया है।